ये नज़ारा देखो जी आप भाई साहब, भर भर के बटर चिकन और दूसरे साहब। ये देखो रात को 11 बजे भी एक साथ 10 सीखे डली है, अभी इसके बाद और जाएंगी। एक सेकंड क्या बाकी है तेरा? सेकंड क्या हो गया? ठीक है जी, पहले तो आप ये गाड़ी चेक करो भैया की, जो पर्सनैलिटी है ना, गाड़ी देखो आप। पहले तो जोधपुर के किंग हैं भैया, ये देखो आप, और भैया से मिलते भी हैं तीन। क्या हाल है करण भैया? सत श्री अकाल जी। मैं दुकान पे, इतनी भीड़ लगी हुई है, आप गेड़िया लगा रहे हो जोधपुर के? नहीं होने जाए नहीं दुकान पे यार, काम करना। लेट आए हो आज? लेट? हाँ जी भाई, लेट हो गए थोड़ा। और गाड़ी देखो आप भैया, संडे थी ना कल। क्या बात है, मतलब पर्सनैलिटी भैया। बस ऑल गुड। आई एम श्योर जोधपुर में निकलते होंगे तो लोग बोलते होंगे पंजाबी चिकन वाले सरदार जी जा रहे हैं। आ जाती है पहचान, हो जाती। तो हम आपको आज लाए हैं जी पंजाबी चिकन, जो जोधपुर की सबसे फेमस शॉप है, और भैया हमारे शहनशाह हैं जोधपुर के। तो भैया आज किचन का भी टूर करा दो, गाड़ी की गाड़ी तो बाद में लगवाते हैं, वही हमारी स्पेशलिटी। और पहले चलते हैं भैया की किचन में, दिखाते हैं आपको किचन प्लीज भाई। ओके जी, पुर के अंदर जो मैजिक आपने फैलाया हुआ है, मतलब चिकन का, मतलब लोग कहते हैं कोई भी हो, मारवाड़ी हो, सिंधी हो और पंजाबी हो, उसको अगर चिकन खाना है तो पंजाबी चिकन का। ऐसी क्या खासियत है सर? प्यार है सर, जोधपुर शहर में जो प्यार और अपनात है सर। हाँ जी हाँ जी, वो आपको किसी कोने में दुनिया में नहीं मिलेगा। ये हमने भी देखा, हम दो दिन से पहले तो आपसे बहुत प्यार मिला। हमारे कस्टमर्स इतने लॉयल हैं सर, आप नहीं मानोगे, मतलब अलग ही लेवल है सर उनका। क्या बात है, मतलब ये भैया बड़े से बड़े पतीले लगते हैं। कितने किलो का पतीला होगा करें भैया? ये सर जी 50 के ऊपर का। 50 के ऊपर आ दो, ग्रेवीज इतनी मात्रा में तैयार करते हैं, इनको पता है। और आज ना दिन सोमवार का है, आप देखो जो मैं नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ ना, वो सोमवार के हैं। आप सोचो शनिवार और इतवार को कितनी दीवानगी होती होगी, जब सोमवार को इतनी प्रिपरेशन है। क्यों? क्योंकि पूरा जोधपुर इनके यहाँ का बना हुआ चिकन खाता है। ये करी का स्पाइसी बढ़िया रहता है यहाँ पे, स्पाइसी अच्छा बनता है। और कहते हैं कि भैया जो मसाले डालते हैं ना, उन मसालों का स्वाद ही अलग है। मीट है हमारा। क्या बात है, आप ये देखो मटन सेलेक्टेड, ग्रेवी देखो आप, इसको बोलते हैं ऊपर रोगन, कितना बढ़िया आ रहा है। और ग्रेवी का टेक्सचर कितना बढ़िया है, एकदम गाढ़ी ग्रेवी है। क्या बात है, मतलब आपको मटन खाना है, चिकन खाना है, क्वांटिटी अभी से तैयार करके रखी हुई है कि जैसे जैसे कस्टमर आते जाएंगे वैसे वैसे लगती चली जाएगी प्लेट। बड़े बड़े बर्तन मसालों के भी आपने रखे हुए हैं, सारे अलग टाइप के मसाले हमारे। अच्छा, सारे अपने पीसे हुए, खुद चुने हुए अपने सारे। क्या बात, अलग से बनाए हुए, अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग मसाला है सर सारा। ये देखो जी, ये सारे मसाले अलग अलग डले हुए, कोई भी मार्केट का कुछ नहीं है इसमें नमक के अलावा। अब वो कहते हैं ना जी, बनाने का ढंग और मसाले, अगर ये दो चीज़ें मिल जाए ना बढ़िया आपको, तो अपने आप स्वाद आ जाता है। और ये बटर चिकन की ग्रेवी है? हाँ जी भैया, ये बटर चिकन की ग्रेवी। लो जी, ये आपका फेवरेट बटर चिकन भी ना, आपको अगर जोधपुर में नहीं मिल रहा, दिल्ली से आए हो, कहीं से भी आए हो नॉर्थ से, और बटर चिकन खाना है, तो मैं कल रात भी खा के गया हूँ, आज रात फिर आ गया हूँ भैया के पास वीडियो बनाने। कल सिर्फ खाना खाने आए थे और ये बटर चिकन खा के ना आनंद आ गया था हम लोगों को। क्या ही बात है, वो बाले मार रहा है बटर चिकन, बाकी की चीज़ें भी भैया की आपको दिखाते हैं। नज़ारा देखो जी आप भाई साहब, भर भर के बटर चिकन, तवा चिकन, तवा चिकन। ये लो जी डिशेज के नाम देखो पहले तो आप, कातिल तवा चिकन, वो है कातिल ही है भाई साहब। ये फुल के ऑर्डर है, ऑर्डर पे ऑर्डर जा रहे हैं देखो। और सोमवार का दिन है ये, कोई शनिवार नहीं, शुक्रवार नहीं, सोमवार के दिन आप देखो जा रही है ये सारे ऑर्डर। क्या बात, और भैया की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे, भैया बाहर लगे हुए हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर नाम आ रहा है वहाँ पे, आप देखो। लो जी, ये लग गया हमारा कातिल तवा चिकन, तो ये इनकी खास करी डिश है, बटर चिकन और कातिल तवा चिकन। आप ये देखो, एक के बाद एक और ऑर्डर आ गया, वो देखो लाइन से ना ये ऑर्डर बनते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं। बटर चिकन इनका बहुत फेमस है और कातिल तवा चिकन। लो जी, अभी अंडर ऑर्डर जाएंगे, अंदर बैठने की जगह है भैया के पास रेस्टोरेंट में। डिलीवरी के ऑर्डर इतने होते हैं और ये रात का आलम है आपका, ऑलमोस्ट 11 बजे का। ये देखो रोस्टेड की कितनी डिमांड है, एक साथ कितने गए हैं, मतलब आपने बहुत सारी दुकानें देखी होंगी, एक जाएगा, चार जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीख एक साथ गई है, 10 रोस्टेड एक साथ गए हैं, क्योंकि ऑर्डर लगा हुआ है 10 रोस्टेड का, डिलीवरी 10 रोस्टेड एक साथ गए। और बाकी सर्दियां चल रही है, देखो फिश की डिमांड होती है, क्या बात है। और ये हो गया स्प्रे, इस पर ऑयल का, ये कम से कम 100 किलो का पतीला है जो ग्रेवी तैयार होती है, जिसमें 100 किलो ग्रेवी है, 200 किलो का पतीला है ये फाइनल है। देखो
भर के पतीला बना था और तवा चिकन की भी इतनी डिमांड होती है। जो कातिल तवा चिकन आपको दिखाया ना, ये फाइनल गया करी वाला पार्ट, इसके भी अब थोड़े से पोर्शन। भैया का ना स्टाइल है, देखो भैया ऑर्डर तो आप इसी से करते हो, बस अंदर आवाज पहुंच जाती है। माइक से ज्यादा सारा ऑर्डर, माइक से देखो सारा ऑर्डर जाता है, अंदर आवाज आपने सुनी होंगी। लो जी ये देख रहे हो स्पीकर, भैया का बाहर से ऑर्डर आता है इस स्पीकर के ऊपर। एक चिकन टिक्का बाकी है तेरा, चिकन टिक्का हो गया ठीक है। एक हाफ का तेल, एक हाफ हांडी बोला हुआ अंदर का टेबल का, एक हाफ का तेल अलग बोला हुआ है, दो हाफ का तेल हो गए टोटल, एक हाफ हांडी बोला हुआ है। क्या बात है, तंदूरी मोमोज भी अगर आपको खाने हैं तो भाई साहब यहाँ मिल जाएंगे। लगवाते हैं कातिल तवा चिकन, और जो भैया ने डिशेज रिकमेंड किए फिश लेते हैं और साथ में कुछ ना कुछ और रोस्टेड लेते हैं जी। हेलो जी, ये लग रहा है जी हमारा बटर चिकन, ये बटर चिकन भी लगवाया है हमने। तो एक कातिल तवा चिकन हो गया इनका फेमस बटर चिकन जो हमने अपने लिए लगवाया है, उसके अलावा लगवाए हैं हमने कुछ रोस्टेड आइटम। तो जी टेबल अपनी लग गई है, मेरे पीछे का माहौल अभी भी सेट है, देखो ऑलमोस्ट 12:15 बज गए हैं और अभी भी ऑर्डर पे ऑर्डर। और यकीन मानो मैंने माहौल देखा ना एक बार को, मुझे ऐसा लग गया कि मैं जोधपुर नहीं दिल्ली ही आ गया। जिस लेवल की भीड़ थी, जिस लेवल के ऑर्डर थे, जिस लेवल के पंजाबी चिकन यहाँ पे लग रहे हैं, माहौल सेट हो गया। इतने दिनों में 15 दिन से राजस्थान घूम रहे हैं, यहाँ आके ना नॉन वेज की तृप्ति पूरी हो गई हमारी। ऑर्डर आपको बता ही दिया क्या क्या लगा, टेस्टिंग करते हैं। भाई बटर चिकन लगवाया भैया से, और ये भैया का कातिल तवा चिकन, ये कातिल आइटम है इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली। उसके अलावा हमने रोस्टेड आइटम लगवाई थी, कल भैया से मिलने आए थे ना, एक दो आइटम भैया ने कल ही चेक करा दी थी। अंगार चिकन टिक्का लिया था ना, हरी मिर्चें बढ़िया वाली होती हैं राजस्थानी वाली, उसके अंदर मतलब धुएं निकल गए थे हमारे। अगर आपको कुछ स्पाइसी खाने का मन हो ना तो वो ऑर्डर ज़रूर करना। उसके अलावा ये तवा चिकन जो लगा है, कातिल तवा चिकन, उसकी ग्रेवी इतनी करारी है, मज़ा आ जाएगा, मतलब दिल्ली याद आ जाएगा आपको। लोग कहते हैं दिल्ली वालों की ना आदत होती है, हम दिल्ली का टेस्ट ना हर शहर में ढूंढते हैं जाके, जैसे हम दिल्ली वाले हैं। और वो दिल्ली वाला टेस्ट ना हमें मिला इस दुकान पे आके, जिसका नाम है पंजाबी चिक इन। ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप गूगल पे लोकेशन डाल देना पंजाबी चिकन, आप सीधा पहुंच जाओगे। करण भैया का नाम यहाँ बहुत चलता है, ऑटो वाले को बोल देना पिंकी सरदार जी की चिकन की दुकान पर जाना है, बिना पूछे आपको ना इस दुकान पर छोड़ जाएगा वो। बाकी लोकेशन और एड्रेस मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगा, नंबर स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। मैं अब लेता हूँ जी अपने दिल्ली जायके का आनंद जोधपुर में, दोबारा मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए, आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकास्ट से।